कर्म का लिखा होता सही वो लिखने वाला झूठा नहीं। कर्म का लिखा होता सही वो लिखने वाला झूठा नहीं। अगर वो लिखने वाला झूठा नहीं, वो लिखने वाला झूठा नहीं, वो लिखने वाला झूठा नहीं, नहीं। नमस्कार, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से कर्मफल न्याय इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम सभी ने अनेक प्रश्नों के उत्तर भी जानकर लिए हैं। कर्म क्या है, सुख और दुख में क्या अंतर है, कर्म का फल किस प्रकार से हमें मिलता है, कर्म फल न्याय एवं पुनर्जन्म की संकल्पना क्या है, ऐसे विविध प्रश्नों पर हमने यहाँ पर उत्तर समझ कर लिया। आज भी हम कर्म फल न्याय और उसके सिद्धांत के संदर्भ में कुछ जानकारी आज इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जानकर लेने वाले हैं। इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में हमारे साथ आज हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्ते सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी मूलतः ईएनटी सर्जन हैं और अध्यात्म के अधिकारी संत भी हैं। आपके जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य का अनुभव है, वैद्यकीय क्षेत्र में जो अनुभव है, तो इसका हमें इस कार्यक्रम में लाभ होने वाला है। तो आइए आज के इस धर्म संवाद को अभी हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कर्म बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम यानी हर मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य होता है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और कर्म जो होते हैं नित्य, नैमित्तिक, ऐच्छिक, परैच्छिक, ऐसे अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। तो सर्वप्रथम हम नित्य तथा नैमित्तिक जो हमारे सभी कर्म हैं वो कब तक करें यह समझ लेंगे। अब शास्त्र ऐसे बताता है कि जब तक आपको वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती अथवा जब तक भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा निर्माण नहीं होती, तब तक शास्त्रों ने बताए हुए नित्य तथा नैमित्तिक कर्म हमें करते रहना चाहिए। अब वैराग्य प्राप्ति तो ठीक है, मगर प्रश्न ये निर्माण होता है कि वैराग्य कब मिलता है व्यक्ति को। तो धर्म ने बताए जो नित्य तथा नैमित्तिक कर्म है जिसका मूल हेतु ईश्वर प्राप्ति होता है, वो अगर हम निष्काम भाव से करें तो व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होता है। यानी नित्य नैमित्तिक कर्म हेतु ईश्वर प्राप्ति और भाव है वो निष्काम है, ये त्रिपुटी जब एकत्रित आती है तो उस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की प्राप्ति होती है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमें भक्ति कब निर्माण होगी, हमें ज्ञान कब मिलेगा, क्योंकि भक्ति या ज्ञान मिलने के बाद ही हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें जो गुरु परंपराएं या जो शास्त्र हमें जो बताते हैं उसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति का शुद्ध धर्म आचरण होता है या शास्त्रों ने बताए नियम का पालन होता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक पराभक्ति यानी परमेश्वर के प्रति भक्ति निर्माण होती है। या अन्य अर्थ से अगर लेते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता है, यानी धर्म का शुद्धता से आचरण, यही भक्ति का लक्षण है और यही ज्ञान प्राप्ति का लक्षण है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है
कि एक तरफ ध्यान धारणा भी बताई जाती है और दूसरी तरफ विधि युक्त कर्म भी बताए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा कर्म करे या कौन सा ना करे, प्रारंभिक अवस्था में क्या क्या करना चाहिए, तो शास्त्र या गुरु परंपरा इस संदर्भ में ऐसी दिशा देती है कि व्यक्ति में जब तक विषय के प्रति आसक्ति है, यानी उसके जो इंद्रिय है, इंद्रिय भोगों में जब तक वो लिप्त है, इंद्रियों से जो निगड़ित विषय है उसमें जब तक वो लिप्त है, या व्यक्ति में प्रेम निर्माण नहीं हुआ ईश्वर के प्रति, या ईश्वर के प्रति भक्ति निर्माण नहीं हुई, या ईश्वर के प्रति वैराग्य भी निर्माण नहीं हो रहा है, उसको सकामता या अपनी इच्छा पूर्ति का ही उसको पड़ी रहती है, तो ऐसा जो जीव है जो साधना के पथ पर चलना चाहता है, वह इस अवस्था में ध्यान धारणा करने के लिए उसे संभव नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति ने ध्यान धारणा करने के बजाय वो अगर विधि युक्त शास्त्रीय कर्म करता है तो उसको अधिक लाभ होता है। मगर बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जिनके आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, जो योगी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे लोग अपने कर्मों का त्याग करते हैं? इस संदर्भ में वशिष्ठ ऋषि ने हमें बताया है कि कोई योगी कर्म छोड़ता भी नहीं, या कोई अगर व्यक्ति योगा पर आरूढ़ होता है तो उसने कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो योग प्राप्त होता है तो कर्म ही उसे छोड़ देते हैं। इसका एक ही अर्थ है कि किसी भी कर्म का फल उस योगी को बद्ध करने के लिए सक्षम नहीं होता है, इसलिए किसी कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, कर्म ही अपने आप छूट जाते हैं। मगर साधना पथ पर निकलने के बाद बहुत व्यक्ति यह भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या कभी कोई जीव अपने सभी कर्मों से मुक्त हो सकता है, उसके सभी कर्म छूट सकते हैं? तो शास्त्र इसका उत्तर देता है और वो कहता है कि हाँ, व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो सकता है, सभी कर्मों से छूट सकता है, परंतु उसके लिए वो एक निकष बताते हैं। व्यक्ति ने सचिदानंद स्वरूप प्राप्त करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति मिलना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ है कि व्यक्ति का जो शरीर है, व्यक्तियों की जो इंद्रिया है, व्यक्तियों की जो मन एवं बुद्धि है, वे सभी अपेक्षा इच्छा रहित हो, कर्मफल की अपेक्षा से वो निष्काम भाव में रहे, तो ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म अपने आप छूट जाते हैं। तो इस तरह से कर्म बंधन से मुक्त होने के कुछ जो उपाय जो बताए शास्त्र ने, वो इस प्रकार के है। कार दीजिए जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी आप जो बता रहे हैं तो उससे हमें ये ध्यान में आ रहा है कि हम कर्म करते हैं तो उसका हमें पाप और पुण्य कुछ ना कुछ तो फल मिलता ही है, तो हमें पाप और पुण्य के परे जाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। बहुत मूलभूत प्रश्न है, क्योंकि आप अच्छा कर्म करो तो पुण्य मिलता है, बुरा कर्म करो तो पाप मिलता है, और मोक्ष अवस्था पाप पुण्य के परे जाने को कही है। एक तरह से आपका जो प्रश्न है वो पाप पुण्य के परे, यानी ईश्वर अवस्था कैसे प्राप्त कर ले या मोक्ष कैसे प्राप्त कर ले, इस संदर्भ में है ऐसे मुझे लगता है। पर इसके लिए हमें तीन बातों को समझ लेना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जीवन में हम कौन से कर्म करते हैं जिसके द्वारा हमें पुण्य प्राप्ति होती है, इसकी जानकारी उस जीव को होना चाहिए। जीवन में कौन से कर्म करने से व्यक्ति को पाप लगता है, उसके जीवन में दुख आता है, इसकी जानकारी उस व्यक्ति को होना चाहिए। और तीसरा, अगर वो पुण्य या पाप करता है तो पुण्य पाप कर्मों का परिमार्जन कैसे करे, यानी उसका प्रायश्चित कैसे करे, उसका फल कैसे नष्ट करे, यह क्रिया भी उस व्यक्ति ने जानना आवश्यक है। संक्षेप में सार में यही होगा कि व्यक्ति को धर्म के बारे में शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए, कर्म कर्म फलों के सिद्धांत और कौन से कर्मों से क्या फल निर्माण होता है, इसकी जानकारी होना चाहिए, और उनको निरस्त करते हुए वह व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो पाप पुण्य से परे जाने की प्रक्रिया हो सकती है। अगर हम जो साधना करते हैं वो साधना के परिपेक्ष में अगर हमारे कर्मों का अगर हम विश्लेषण करते हैं, तो व्यक्ति का अहंकार, उसका अहम भाव या उसका जो कर्तापन होता है, यह व्यक्ति को
चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, इनके बंधन में वो डालता है। यानी हमारे कर्मों का जो जड़ है, जो हमें बद्ध करता है, जन्म मृत्यु के चक्रों में फंसाता है, वो हमारा अहंकार है। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अहंकार को हम कैसे आसान भाषा में समझ ले कि हमारे मन में कर्तापन होता है, मैंने ये किया, मैं वो करता हूँ, मैंने ऐसे किया, मुझे ये आता है, मैं वो करता हूँ। तो ये जो कर्तापन होता है ये अहंकार का लक्षण है। दूसरा है देह बुद्धि। अब देह बुद्धि यानी क्या कि मुझे ये चलता है, मुझे वो नहीं चलता है, मैं यही पहनता हूँ वो नहीं, मैं यही खाता हूँ वो नहीं चलता है मुझे, या संक्षेप में ये शरीर ही आत्मा है और शरीर के भोगों की पूर्ति यानी जीवन की इतिश्री है। ऐसे जिसका भाव होता है उसे देह बुद्धि कहते हैं। तो कर्तापन या देह बुद्धि, यही अज्ञान जो है वो व्यक्ति के अहंकार को कारणीभूत होता है। अब ये अहंकार को कैसे नष्ट करें, तो इसकी जो प्रक्रिया आसान बताई है कि हमारे सामने विविध योग मार्ग रखे हैं। ध्यान योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, नाम संकीर्तन योग है। तो विविध योग मार्ग के अनुसार अगर हम साधना करते हैं और साधना करते करते हम गुरु के कृपा प्राप्ति को सफल होते हैं, तो यह अहंकार दूर करना हम सभी को संभव होता है। अन्यथा साधना करके अगर गुरु कृपा ना हो तो उसमें अहंकार बढ़ने की भी संभावना होती है, जैसे रावण का बढ़ा था। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधना कौन सी है, नाम संकीर्तन योग, या नाम संकीर्तन करना ये कलयुग की सर्वश्रेष्ठ साधना है। अब ये नाम संकीर्तन योग द्वारा जो साधना करता है वो नामधारक क्या करता है, वो अखंड नाम जप करने का प्रयास करता है। सोते जागते उठते बैठते हर कर्म करते करते समय, नहाते ये कर्म करते समय वो नाम जप करने का प्रयास करता है। और नाम जप करते करते जब वो कर्म करता है और नाम जप का हेतु उसका ईश्वर प्राप्ति होता है, उसके अलावा अन्य कोई सकाम हेतु नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में नामधारक के हर कर्म ये कर्म न होते हुए क्रिया होती है। अब क्रिया है ने क्या कि क्रिया है ने ऐसा कर्म जिसका कोई फल ही निर्माण नहीं होता है। तो ये जो रहस्य है अखंड नाम स्मरण के कारण करने वाला कर्म जब क्रिया बनता है तो वो फल निर्माण नहीं करता है, एक तरह से वह अकर्म कर्म होता है। और अकर्म कर्म हुआ, फल निर्माण नहीं हुआ, तो फल भोगने का प्रश्न ही निर्माण होता है। तो आसानी से व्यक्ति पाप पुण्य के परे जाने को उसको संभव होता है। तो इसलिए कलयुग में सबसे आसान जो साधना का मार्ग बताया है नाम संकीर्तन, नाम स्मरण करना। तो साधना करते करते, नाम स्मरण करते करते अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो पाप पुण्य से परे जाना संभव है, और अर्थात इसी को ही मोक्ष प्राप्ति कहते हैं और यही जीवन का ध्येय होता है। इस तरह से सब क्रिया करना आवश्यक होता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे हमें बताया तो नाम जप करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें समझ में आए। तो हर कर्म करते समय हमें नाम जप करना चाहिए और उससे हमें लाभ भी होगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि कर्मयोग साध्य हो इसलिए क्या क्या कौन सी बातें हमें ध्यान में लेनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। कार्तिक जी, सबसे पहले कर्मयोग क्या है यही हमको ज्ञात होना चाहिए। और शास्त्र ने जो बताया है कि योग्य कार्य एवं अयोग्य कार्य, इसकी विचार करने की क्षमता एवं शास्त्रों को प्रमाण मानकर कर्म करने की वृत्ति, यही मूलतः कर्मयोग है, यह हमें समझ लेने की आवश्यकता है। अब कौन सी बातें या कौन सा कर्म ये कर्मयोग हो नहीं सकता, यह भी हमें जानना होगा। यानी कुछ लोगों की कैसे वृत्ति रहती है, केवल कर्म करने के लिए कर्म करते हैं। अब जीवन में कुछ पर्याय नहीं है, अन्य कुछ कर नहीं सकते, तो दिखावे के लिए वो कुछ कर्म कर रहे हैं ऐसे बताते हैं, मगर यह कर्मयोग हो नहीं सकता है। कर्मयोग होने के दृष्टि से सबसे पहले आवश्यक है वो निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म हो सकता है, परंतु अगर वो शास्त्र रहित है यानी शास्त्र सम्मत नहीं है तो वह भी कर्म नहीं हो सकता है, कर्मयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि शास्त्र शून्य या अर्थ शून्य जो सत्य निष्ठा है
वह भी एक प्रकार का बंधन ही है और वह जीव को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करा सकता। अब ऐसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति ईश्वर को मानता नहीं और वो कुछ कर्म कर रहा है, तो ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति क्या कर्मयोगी हो सकता है? या ऐसे व्यक्ति को क्या हम कर्मयोगी कह सकते हैं? ऐसे भी कुछ प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। तो ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति हो सकता है वो सज्जन भी हो और कर्म कर रहा है, परंतु उसको योग साध्य नहीं है, क्योंकि योग का मतलब है कि भक्त से ईश्वर का जुड़ाव या जीव का शिव से मिलन। तो व्यक्ति सज्जन है, कर्म कर रहा है, मगर भक्त का ईश्वर से या जीव का शिव से मिलन नहीं हो रहा है करके योग न होने के कारण उसे हम कर्मयोगी नहीं कह सकते हैं, और वो कर्मयोग भी नहीं है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। परंतु आजकल नया ही कुछ शुरू है जमाने में, ईश्वर को न मानने वाले लोगों को लोग कर्मयोगी करके संबोधित करते हैं, परंतु ये अत्यंत अनुचित है। अभी मैंने जैसे बताया कि योग का मतलब है भक्त का ईश्वर का मिलन या जीव या शिव जो आध्यात्मिक संकल्पना है उसके एकत्व अद्वैत जो है उसको योग कहते हैं। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर को ही नहीं मानता, जो व्यक्ति स्वयं को जीव या अपने जीवन का ध्येय शिव में विलीन होना है ऐसे मानता ही नहीं, तो उसको कर्मयोगी संबोधन करना यही एक प्रकार का ईश्वर का अवमान होता है। और वर्तमान जो शासन है या शासकीय प्रणालियां है उन पर अभी ईश्वर को न मानने वाले, धर्म को न मानने वाले लोगों का प्रभाव है, और ऐसे लोग अज्ञानवश, एक अहंकारवश इनको कर्मयोगी कहना शुरू कर देते हैं। मगर प्रत्यक्ष में कर्मयोगी यानी क्या? शास्त्रोक्त कर्म यानी शास्त्र को सम्मत है ऐसे ही कर्म, या धर्म या शास्त्र ने बताए ऐसे ही कर्म जो व्यक्ति निष्काम भाव से करते हैं वही वास्तव में कर्मयोग है। और ये जो ईश्वर को न मानने वाले हैं वो ना तो धर्म को मानते हैं ना तो शास्त्र को मानते हैं, और वो जो कर्म करे इसलिए वो कर्मयोग नहीं, तो उसको कर्मयोगी नहीं कह सकते हैं। तो अशास्त्रीय कर्मों में धर्मनिष्ठा हो ही नहीं सकती है, और धर्मनिष्ठा न होने के कारण वो जो कर्म है वो निष्काम भाव से भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को न मानने वाले लोगों के कर्म में कुछ बातें हमको दिखाई देती है। वो क्या है कि वहां पर वे आग्रह रहता है उनका, कुछ दुराग्रह होता है कि हम यही मानते ये नहीं मानते हैं, या यही सत्य है ये सत्य हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी उनकी मान्यता होने के कारण वे जो कर्म करते हैं वो सर्वेशम अविरोधनम हो नहीं सकते हैं, और सर्वेशम अविरोधनम नहीं होने के कारण वो योग संपन्न नहीं हो सकते हैं। और धर्मशास्त्र के अनुसार मूलतः हमारा जो जन्म है वो आनंद स्वरूप आत्मा से, ईश्वर से ही हमारा जन्म हुआ है, और आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हेतु हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। और इसलिए हर धर्मपरायण जो हिंदू है वो धर्मसम्मत रचनात्मक कार्य लगन से करना चाहिए। इस तरह से अगर वो कार्य करता है तो हिंदू शास्त्र को अपेक्षित कर्म ही अगर वो व्यक्ति निष्काम भावना से करना शुरू कर देता है तो हर हिंदू कर्मयोगी हो ही सकता है। परंतु ईश्वर को न मानने वालों को कर्मयोगी कहना ये अत्यंत गलत बात है, और ये एक प्रकार का धर्म या शास्त्र का अवमान है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ये निष्काम भाव और शास्त्र सम्मत कर्म, यह कर्मयोग का जो सार है वह समझकर ही हम लोगों को कर्मयोगी कहना चाहिए। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें यहाँ पर हमें समझाया, परंतु समाज में ऐसे कुछ संत है जो सामाजिक कार्य करने में सक्रिय रहते हैं, तो क्या हम इन संतों को मतलब ये कर्मयोगी बोल सकते हैं, क्या ये कर्मयोग हुआ? भारत में आजकल अनेक संत भी कार्यान्वित है, और वो एक आध्यात्मिक संस्था स्थापित करके या एक धर्म के नाम पर वो अपने कार्य का आरंभ भी करते हैं, परंतु हमें दिखाई क्या देता है कि कुछ समय पश्चात वे सामाजिक कार्य करना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसे लगता है कि लोगों का अपना सामाजिक कार्य दिखना चाहिए,
और इसके लिए फिर वो आधुनिक अभ्यासक्रम वाली पाठशालाएं खोलते हैं, महाविद्यालय शुरू करते हैं, अनेक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करते हैं। मूलतः संतत्व या साधु संत ये वैराग्य भाव से लिप्त होते हैं और वैराग्य की भावना से लिप्त होने के कारण वे अपनी पारिवारिक हो या अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां हो उसको छोड़कर या किंबहुना उससे ऊपर उठकर वे संन्यास इत्यादि ग्रहण करते हैं और एक आध्यात्मिक परिपेक्ष में अपना मार्गोत्क्रमण शुरू करते हैं। परंतु ऐसे जब व्यक्ति संत या सन्यासी सामाजिक संस्था स्थापन करते हैं और संस्थाओं की चिंता के कारण वो कैसे चलाना है, उसके लिए धन कहाँ से अर्जित करना है, उसके लिए काम करने वाले लोग कैसे उपलब्ध करना है, तो इस प्रकार की चिंता में लिप्त होकर वे पुनः माया में फंसने की प्रक्रिया उनकी हो जाती है और कुछ कालावधि के बाद इन संस्थाओं के चलाने में वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो सामाजिक कार्य करते करते हमने आध्यात्मिक कार्य करने के लिए संन्यास लिया या हम आध्यात्मिक क्षेत्र के संत बने हैं वही भूल जाते हैं। ना तो वो धर्म का प्रसार करते हैं, ना तो धर्म शिक्षा का प्रसार करते हैं, ना तो समाज को धर्म के संदर्भ में दिशा देते हैं और वो केवल सामाजिक यानी सामाजिक कार्य ही शुरू करते हैं। और ये करते समय अब हमारा धार्मिक कार्यों में विश्वास नहीं रहा या धर्म समाज को कुछ उत्थान कर सकता है, धर्म समाज को सहायता कर सकता है, इस पर भी हमारा विश्वास नहीं रहा, ये अपनी चूक भी वो मान्य करने के लिए हिचकिचाते हैं यानी मान्य नहीं करते हैं। धार्मिक कार्य के लिए धन संग्रह अगर करना है तो गांव गांव में घूमकर धर्म का ही उपदेश देना आवश्यक है, मगर गांव गांव में घूमकर धन संग्रह तो करते हैं मगर धार्मिक कार्यों का उपदेश ना करते हुए वो एक पाठशाला, महाविद्यालय या अन्य कुछ ऐसे संस्थाओं की निर्मिति के लिए वो प्रसार प्रचार करते हैं तो उससे धर्म कार्य बाजू में रहता है और सामाजिक कार्य में यानी माया में लिप्त हो जाते हैं। तो संतों ने धर्म की शिक्षा देने के हेतु वेद पाठशालाओं की स्थापना करना आवश्यक है, गुरुकुलों की स्थापना करना आवश्यक है, धर्म शिक्षाओं को देने का एक प्रबंधन उन्होंने करना आवश्यक है, मंदिर और मठों के माध्यम से परिसर के लोगों को, स्त्रियों को 16 संस्कार हो, त्यौहार हो, इसके बारे में शिक्षा देना आवश्यक है, बच्चों को बाल संस्कार और धर्म शिक्षा देना जरूरी है। तो ये सब धर्म कार्य करना उनसे अपेक्षित होता है कि जो वो बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इसलिए अभी संत एक प्रकार से सामाजिक कार्य यानी माया में लिप्त है ऐसे दिखाई देता है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि कर्म बंधनों में फंसे बिना हम कर्म किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। अलग अलग प्रकार से समाज के मन में ये प्रश्न बार बार आते ही है, चाहे कर्म फल के इसमें से बचो या कर्म बंधन से बचो, कई एक ही प्रकार की वो बातें होती है। मगर कर्मयोग से दृष्टि से देखे तो निष्काम कर्म जैसे कर्म बंधनों से बचने के लिए उपयुक्त तो होता है, वैसे कर्म करते समय हमारा सकाम कर्म ना हो। सकाम कर्म का मतलब क्या है कि कामना सहित यानी इच्छा सहित, यानी हम कर्म के फल का उद्देश्य पहले तय कर लेते हैं, हमको क्या चाहिए वो इच्छा आकांक्षाएं तय करके फिर हम कर्म करते हैं, ये सब कर्मों को सकाम कर्म कहा जाता है। ये जो कर्म होता है वो हमारी कामना पूर्ति के कर्म होते हैं, हमारे भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा जो है वो इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से ये कर्म किए जाते हैं। तो ऐसे कर्म करने से हमारे अंतर मन में विविध वासना एवं संस्कार की निर्मिति होती है और ये हमें कर्म बंधनों में डालते हैं। तो कर्म फलों से मुक्त होना है तो हमें निष्काम करना आवश्यक है, कर्म करना आवश्यक है। अब दूसरी जो बात होती है कि बहुत से बार हम कर्म शुरू तो कर देते हैं मगर उनको आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो निष्काम हो तो भी आधा अधूरा छोड़ने के कारण वो फलदायी हो जाता है और ऐसे कारण जो कर्म फल निर्माण होता है वो हमें बंधन में डालता है। इसलिए कोई भी कर्म अधूरा ना करे और वो फल की इच्छा पकड़ के ना करे। और हमारे प्रत्येक कर्म का जो अंत है वो हमारे मानसिक दृष्टि से आनंददायी होना चाहिए। हमने ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जो हमारे मन को अंदर से डस रहा है या हमारे मन में विवंचना निर्माण करना है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो प्रत्येक कर्म का अंत
आनंदमय हो, ऐसा ही कर्म हमें करना चाहिए। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें जो कर्म अच्छे लगते हैं वही करने की प्रवृत्ति होती है। तो हमें कौन से कर्म अच्छे लगते हैं जो हमें इच्छा पूर्ति करते हैं, जो हमें सुख प्राप्ति देते हैं, ऐसे कर्म करने से हमारा मन लगा रहता है। इसलिए जो भी कर्म करना है वह मन लगाकर करना चाहिए, और वो भी शास्त्र सम्मत करना चाहिए, अथवा हमारे साधु संत या जो गुरुजन हैं उनके बताए अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो हम सच्चा आनंद अनुभव कर सकते हैं। और अगला जो सूत्र है कि अकर्म कर्म करना, यानी हमारे हाथों से जो कर्म होना चाहिए वो अकर्म कर्म होना चाहिए। उसके लिए भगवद गीता का एक श्लोक है, अभी आप जो स्क्रीन पर देखेंगे उसमें भगवद गीता कहती है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक का जो अर्थ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्मयोग का पालन करते हुए कर्म करता है, इसका मतलब वो कर्म का उद्देश्य यही रखता है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करना है, आनंद प्राप्ति करना है, ऐसे ध्येय रखकर जो कर्म करता है, जो शुद्ध अंतकरण का है, यानी जिसका अंतकरण शुद्ध, चित्त शुद्ध हुआ है, संस्कार रहित हो रहा है, या दूसरे अर्थ से जिसका मन एवं इंद्रिया जिसने वश कर लिया है, यानी जो जितेंद्रिय बना है, यानी मन और इंद्रियों पर जिसका पूर्ण नियंत्रण आया हुआ है, ऐसा जो जीव है जो सभी को प्रिय होता है और उसे भी सब प्रिय होते हैं, मतलब उसके मन में देश ईर्ष्या इत्यादि भाव नहीं होते हैं, या पूर्वग्रह या प्रतिक्रियात्मक भाव नहीं रहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो ऐसा व्यक्ति जो सदैव कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता है, इसका मतलब उसको कर्मफल की आशा नहीं होती है और वो निष्काम भाव से करता है, अर्थात ऐसा ही व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं अटकता है। ये इस श्लोक का सार है। और ये अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है, तो भगवद गीता में ही कृष्ण ने कहा है कि यज्ञानाम जपे यज्ञस्मि, यानी भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, और कलियुग में जो है जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, और नाम स्मरण नाम जप द्वारा ही यह यज्ञ पूर्ण होता है और यह अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में सार इतना ही है कि हमें साधना करनी चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, जीवन में कर्म के लिए हमें धर्म की दृष्टि प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे हम अपने इस जन्म का है जो सार्थक हम कर पा सकते हैं। अब एक उदाहरण हम देखेंगे कि जैसे सूर्य के अस्तित्व मात्र से ही विश्व के कर्मों को प्रारंभ हो जाता है, रात में पेड़ भी सो जाते हैं, कलियां भी उमलती नहीं है, मगर सूर्य की अस्तित्व से ही जब पेड़ पौधे और फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और मनुष्य जाकर अपने कर्मों का प्रारंभ करता है, तो सूर्य के अस्तित्व से ही ये विश्व के सृष्टि का ऊर्जा का संचलन शुरू होकर सृष्टि गतिशील हो जाती है। उस प्रकार से जब उन्नत पुरुष सभी कर्म बंधनों से मुक्त होता है, एक प्रकार से वह ईश्वर स्वरूप या मोक्षदायी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो उसके उपस्थिति से कर्म करते हुए भी अकर्ता उसे प्राप्त होती है। नदी जिस प्रकार सागर से मिलने के उपरांत अब वो नदी न रहकर सागर ही बन जाती है, उसी प्रकार ईश्वर से एक रूप होने वाले व्यक्ति का होता है, वो व्यक्ति का अस्तित्व देह तो व्यक्ति दिखता है मगर अस्तित्व उसमें ईश्वर का होता है, इसका मतलब वो बंध मुक्त है, इसका मतलब उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसे उसका अर्थ होता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिल्ले जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि क्या प्रत्यक्ष शरीर द्वारा हमने अयोग्य कर्म नहीं किया परंतु हमने परनिंदा की, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत विचार हमारे मन में आए, इस प्रकार के हमारे परनिंदा का हमारा स्वभाव है, तो क्या इसके कारण हमारा हमें कर्मफल भुगतना पड़ता है क्या, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। परनिंदा भी एक वाचिक कर्म होता है और इसके कारण उसका भी फल निर्माण होता है और आपका फल भुगतना पड़ता है। अब परनिंदा द्वेष से किया, ईर्ष्या से किया, गुस्से में किया, प्रतिक्रियात्मक किया, उसका फल अलग होता है,
मगर परनिंदा कभी कभी अज्ञातवश, यानी क्या हुआ प्रसंग हमको कुछ पता नहीं, सत्य पता नहीं, और सत्य न पता होते भी हम अगर किसी को लांछन लगा के किसी की निंदा करते हैं तो वह भी अत्यंत बुरा कर्म होता है, यह समझने की आवश्यकता है। और इसकी तीव्रता कितनी गहन है वो समझने के दृष्टि से मैं आपको एक कथा भी बताना चाहता हूँ। एक समय एक राजा था और उसने अपने राज दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया था। अब बड़ी संख्या में ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया था तो उसके लिए जो भोजन बनाना था तो महल के सामने जो खुला आंगन था वहाँ भोजन बनवाने की प्रक्रिया की गई। अब उस वक्त अनजान में एक हादसा हो गया। क्या हुआ था उस समय, खुले में जो पक रही थी रसोई उसके ऊपर से एक चील अपने पंजों में एक जिंदे जहरीली सांप को दबोचकर निकल रहे थे। अब सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के दृष्टि से उसने फुफकारा भरा था और साथ ही जहर भी उगला था। अब सांप ने फुफकारने के कारण उसके मुख से जो जहर की बूंदें निकली वह नीचे पाकशाला में जो पक रहे जो व्यंजन थे उसमें गिर गए। अब रसोई में जहर गिरने और उसके जहरीली होने की बात ना तो भोजन बनाने वालों को पता है, ना तो परोसने वालों को पता है, ना तो राजा को पता है, वो किसी को भी पता नहीं। अब ब्राह्मण जो आए थे वो भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे और उनको वो महाप्रसाद परोसा गया। अब जहरीला भोजन खाने के कारण सभी ब्राह्मण थे वो काल के ग्रास में समा गए, उनका मृत्यु हो गया। अब जब राजा को यह बात पता चली तो उसको ये कुछ पता न होने के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण वो अत्यंत दुखी हुआ था, यानी एक तरह से उसको दुख और पश्चाताप भी वहां पर हुआ था। परंतु यानी हम अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसके सामने खड़ी हुई होंगी, तो वो यमराज के सामने। अब आखिर इस पाप का भागी कौन और इस ब्रह्म हत्या का पाप किसके खाते में जमा हो और किसको उसका दंड मिले, यह लिखने की प्रक्रिया यमराज के पास होती है। तो वो अब प्रश्न चिन्ह उसके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि अब जो घटनाक्रम ऐसे था कि दंड देने के लिए यमराज के सामने सबसे पहले उस राजा का नाम आया क्योंकि उसने ही वो ब्राह्मण भोज आयोजित किया था। अब भोज का आयोजन करते ही राजा होने के कारण उसके यहाँ घटना घटी है तो अब राजा जिम्मेदार होना चाहिए, ऐसे पहला निकष उसको लगा। अब फिर उसके सामने है कि राजा ने तो भोजन नहीं बनाया था, भोजन तो रसोइयों ने बनाया था। तो अब ये ब्राह्मणों को जो महाप्रसाद परोसा गया वो तैयार करने वाले ये रसोई जिम्मेदार हो सकते हैं, ऐसा दूसरे विचार यमराज के मन में आए। अब यमराज के मन में तीसरा ख्याल आया कि वो चील जिसने उस सांप को पकड़ के वो लेके जा रही थी उसके कारण सांप के मुंह से वो जहर नीचे गिरा था और ये अन्न जहरीला हुआ था, तो तीसरा जो था वो चील उसके ख्याल में आया। और फिर क्या है, अंत में यमराज ने सोचा कि प्रत्यक्ष में तो ये सांप ने ही फुफकारा करके अपना जहर उगल दिया था तो ये सांप भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो अब ये चारों में से किसको ये ब्रह्म हत्या का पाप लिखे और किसको दंड दे, इसके विवंचना में यमराज जी थे। थोड़े समय के लिए यह यमराज जी ने निर्णय भी अनिर्णित अवस्था में रखा था कि आखिर इस ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष किसी का हेतु नहीं था वो ब्रह्म हत्या करना का, और जहर भोजन में गिरा हुआ वो किसी को पता ही नहीं है, और ब्राह्मण भोजन करने का हेतु अच्छा था, भोजन बनाने वाले के भाव भी अच्छे थे, फिर भी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, तो इसका निर्णय यमराज जी कर नहीं पा रहे थे। ये घटना होने के कुछ समय बाद कुछ अन्य ब्राह्मण उस राजा को मिलने के लिए महल के तरफ जा रहे थे। तो महल के तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनको रास्ते के बारे में शंका निर्माण हो गई, तो जाने वाले एक महिला से उन्होंने रास्ता पूछ लिया कि भाई महल को हम किस रास्ते से जाएं। तब वो महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता तो बता दिया, मगर रास्ता बताते हुए उसने क्या कहा कि देखो भाई जरा ध्यान से जाना,
आप जिस राजा के पास जा रहे हैं ना, उस राजा ने ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मारा था। प्रत्यक्ष में वो महिला को क्या हुआ था वो कुछ पता नहीं था, उस घटना की वास्तविकता कुछ पता नहीं थी, मगर उसने अज्ञातवश परनिंदा करते हुए राजा पर वो थोप दिया कि भाई वो राजा ने जहर देकर ब्राह्मणों को मारा था। जैसे ही महिला ने यह बात कही, उसी समय यमराज ने एक फैसला ले लिया कि वो जो मृत ब्राह्मण थे उनके ब्रह्म हत्या का जो सब पाप है वो इस महिला के खाते में लिख दिया जाएगा और वही इस पाप का दंड भोगेगी, ऐसे उसने अपना विधान लिख दिया। अब यमदूत ने पूछा कि प्रभु ऐसे क्यों, प्रत्यक्ष में वो महिला ने तो कुछ गुना किया नहीं है, तो उसको ये दंड क्यों मिल रहा है? और फिर वो चाहे राजा हो, चाहे भोजन बनाने वाले रसोई हो, या चील हो, या सांप हो, उसको किसी को आप दे नहीं रहे, स्त्री को क्यों दे रहे आप? तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उस पाप कर्म में उसको आनंद आता है, और ब्राह्मण की हत्या होने के बाद जो ब्रह्म हत्या का पाप निर्माण हुआ उसके कारण ना तो राजा को आनंद हुआ, ना तो रसोइयों को आनंद हुआ, ना चील को आनंद हुआ, ना सांप को आनंद हुआ। इसलिए ये पाप में वो चारों के खाते में जोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सभी इस पाप के बारे में अनजान थे। मगर महापाप की जो इस दुर्घटना हुई और जिसका सत्य या वास्तविकता जो महिला को पता नहीं, परंतु उसने जोर शोर से बखान करके इस पाप का जो है फल राजा के मध्य मर दिया उसने, और यह जो परनिंदा का पाप किया, सत्य न जानते हुए राजा को दोषी ठहराया, इसके लिए इस ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो इस महिला के खाते में जाने का विधान कहता है। इस कथा का सार एक ही है कि अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया और हमारे हाथों तो कोई बड़ा पाप नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी हमें कभी कभी जीवन में बड़े दंड या दुख भोगना पड़ता है, परंतु अनजानवश परनिंदा, साधु निंदा, पीठ पीछे चुगली करना, ऐसे जो बातें होती है उसमें से अगर हमें वास्तविकता पता नहीं है और हम एक के पाप का आरोप दूसरे पे मढ़ देते हैं तो हमारे खाते में कितना पाप जमा होता है ये हमें पता ही नहीं होता है। और इसलिए इस कथा का सार यही बताता है कि ऐसे पापों में दंड तो उसी को मिलता है जो हम परनिंदा करके, पाप करके अपने संचित या प्रारब्ध को बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे अनेक स्तरों पर परनिंदा का भी पाप हमारे खाते में जमा होते रहता है। तो इस प्रकार ये पूरे कर्म, कर्मफल, निष्काम कर्म, अकर्म कर्म, कर्मफल त्याग, ये सब बातों का शास्त्र जानकर, धर्मशास्त्र को जानकर, धर्म शिक्षा लेकर और धर्म शिक्षा समाज को देकर अगर हम समाज को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं और हम धर्म मार्ग पर चलते हैं तो हमारे सभी कर्म, कर्म बंधन मुक्त होने के कारण हमें इस जीवन में ईश्वर प्राप्ति यानी कर्मयोग की प्राप्ति होना संभव है। कार्तिक जी, यही कर्मयोग का सार इस सत्संग का है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही मार्मिक कथा हमें बताई और परनिंदा के कारण किस प्रकार से हमें न किए हुए कर्म का भी फल हमें मिल सकता है, यह हमें इस कथा के माध्यम से ध्यान में आया। हम सभी को ध्यान में आया होगा कि कर्म की गति कितनी गहन है। तो इन उदाहरणों से, इस कथा के माध्यम से और आज जो हमें मार्गदर्शन हुआ, इस सभी से आप सभी, आपको पता चला होगा, तो हम सभी कर्मयोग के माध्यम से हमारी साधना कर सकते हैं। हम निरंतर नाम जप साधना कर सकते हैं, निरंतर नाम संकीर्तन करें, यही आज का इस कर्मयोग और कर्मफल सिद्धांत के जो आज धर्म संवाद था इसका ये सारांश है। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमारे सभी शंकाओं का समाधान हो रहा है, इसलिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कर्मफल से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर समझ के लिए। इससे हमें ये तो एक बात ध्यान में आई होगी कि मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट नहीं सकता, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, परंतु कौन से कर्म करने से हमें सुख मिलेगा या कौन से कर्म करने से हमें दुख मिलता है, तो इसकी जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन से कर्म करने से हमें पुण्य मिलता है, कौन से कर्म करने से हमें पाप मिलता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो
तो ऐसी विविध सब बातें हमें इसके बारे में ज्ञान हो, इसके बारे में हमें जानकारी हो, इसके लिए सनातन संस्था द्वारा अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं। सनातन संस्था द्वारा देवता, अध्यात्म शास्त्र, आपत्काल, बाल संस्कार ऐसे विविध विषयों पर ग्रंथ उपलब्ध है। परंतु क्योंकि ये आज का हमारा कर्मफल सिद्धांत का विषय पर हम बात करें, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कर्म से संबंधित एक ग्रंथों की अलग मालिका ही निर्माण की गई है। जैसे कि कर्म का महत्व क्या है, कर्मफल सिद्धांत क्या है, सकाम कर्म एवं निष्काम कर्म, इसके विषय में एक ग्रंथ उपलब्ध है। जो संचित कर्म, संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण कर्म, इस विषय में जानकारी देने वाला भी एक ग्रंथ उपलब्ध है। साथ ही में जो हम पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, या पाप और पुण्य के बदले जो हमें प्रायश्चित कर्म करना होता है, तो इसके बारे में भी जानकारी देने वाला ग्रंथ है। आप सभी इन सब ग्रंथों का अवलोकन अवश्य कर सकते हैं, हमें यह जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि ये विषय सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका निर्माण हुई हो तो आप अवश्य आपके कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी आप इस चैट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का धर्म संवाद यहीं पर समाप्त हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार। एक दिन मिट्टी में मिलना सही, वो लिखने वाला जूता नहीं।